अच्छा मेकम, आज मैं आपको ड्रग कलेक्शन रिपोर्ट के बारे में बताऊंगी कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है और जनरेट करना है। तो सबसे पहले आपने गूगल क्रोम पे जाना है। इसके बाद आपने MAS की वेबसाइट को ओपन करना है, उस पर अपना पासवर्ड और लिंक डालना है। इसके बाद आपने लेवल सेलेक्ट करना है, लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आपकी वेबसाइट का जो पेज ओपन होगा उस पर आपको लेफ्ट साइड पे बहुत सारी रिपोर्ट्स नज़र आ रही होंगी, जिसमें से आपने काउंसलर रिपोर्ट को क्लिक करना है। काउंसलर रिपोर्ट को जैसे ही आप क्लिक करेंगे नीचे आ जाएगा MIS रिपोर्ट काउंसलर, इसको आपने फिर दोबारा से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होगा, उस पेज के ऊपर 6 रिपोर्ट्स आपको दिख रही होंगी, इसमें से रिपोर्ट नंबर 5 को आपने क्लिक करना है। ये रिपोर्ट जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद एक और पेज आपके पास ओपन होगा, जिसके अंदर आपने मंथ अपना सिलेक्ट करना है। मंथ की फर्स्ट डेट को सिलेक्ट करना है, फ्रॉम डेट पे 1 सिलेक्ट करना है, और 2 डेट पर आपने जिस दिन आप ये काम करें उससे 4 दिन आगे की डेट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद डेट्स के नीचे आपका रीजन, जोन एंड प्रायोरिटी नज़र आ रही है, जिसमें से आप अपना रीजन सिलेक्ट कर सकते हैं, जोन सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना प्रायोरिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑल ओवर चाहिए तो इन चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा ऑल पर। इसके बाद आपने शो रिपोर्ट करनी है। जब आप शो रिपोर्ट को क्लिक करेंगे उसके बाद आपको ये रिपोर्ट नजर आएगी। ये ऑल ओवर पाकिस्तान का डेटा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद आपने एक्सपोर्ट जिस रिपोर्ट पे जाना है इसको क्लिक करना है। एक पेज ओपन होगा, उस पर लिखा होगा फाइल फॉर्मेट, उसके नीचे एक बार बनी हुई होगी, उस बार को क्लिक करना है। इस पर आकर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 97-2003 डेटा ओनली को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट करने के बाद आपकी फाइल लेफ्ट साइड पर डाउनलोड हो जाएगी, जब वो डाउनलोड हो जाए उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद सामने लिखा आ रहा होगा अनेबल को एडिटिंग करनी है। एडिटिंग करने के बाद इस पूरे पेज को सिलेक्ट करने के लिए एक के बराबर में सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ए और बी के बीच में जो कॉलम की लाइन आ रही है इस पर डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे ये फाइल पूरी ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने होगी। फिर इसके बाद 2 को बेसिकली क्लिक करें और इसको कलर दे दें। कलर देने के बाद आपने फिल्टर पे जाना है। यहाँ आकर फिल्टर को सिलेक्ट करना है। ये आपकी तमाम रो और कॉलम फिल्टर्स हो चुके हैं। इसके बाद आपने TB आउटकम पर आना है। TB आउटकम पर आने के बाद आपने ऑल सिलेक्ट पे से चेक हटाना है, अंडर ट्रीटमेंट पर चेक लगाना है, देन ओके कर देना। ओके करने के बाद आपके पास वो तमाम डेटा आ जाएगा जो अंडर ट्रीटमेंट पेशेंट है। उसके बाद आपने इन तमाम पेशेंट्स को कॉल करनी है। कॉल करके पूछना है कि ये अब तक दवा लेने के लिए क्यों नहीं आए। फॉलोअप स्टेटस के बराबर में आपने फीडबैक का कॉलम बनाना है। इस फीडबैक में आपने जो पेशेंट से बात की है वो तमाम बातें यहाँ लिखनी है, और जिनके नंबर आपसे ट्रैक ना हो सके उनके बारे में भी आप इंफॉर्मेशन यहाँ डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के पेशेंट ने फ़ोन नहीं उठाया तो उस पर आपने लिख देना है नॉट रिस्पॉन्डिंग। इसके बाद आपने जाना है फाइल पर, फाइल को क्लिक करना है।
फाइल को क्लिक करने के बाद एक आपके पास पेज ओपन होगा, उस पेज पे जाके सेव अस पर आना है। सेव अस के बाद आपने आना है डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पर आकर आपने अपनी फाइल को नाम दे देना है। इसके बाद आपने अपनी इस फाइल को सेव कर देनी है।